सनी देओल की चुप थिएटर में धमाल मचा रही है। सनी देओल का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 11 साल बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की है इस फिल्म से और ऐसे में लोगों के बीच क्रेज भी देखा जा रहा है। जी हाँ, सनी देओल और दुलकर सलमान और श्रेया धनवंतरी स्टारर चुप को जनता पसंद करती नजर आ रही है। और दुलकर सलमान चुप में एक फिल्म मेकर का किरदार निभा रहे हैं। अब चुप का ओपनिंग कलेक्शन सामने आ गया है। हालांकि चुप देखने के बाद जितने भी लोग थिएटर से बाहर निकले सभी की बस एक ही चीज सभी का कहना था कि नजर नहीं हट रही थी, फिल्म इतनी अच्छी थी। और दूसरी लोग एक कमेंट कर रहे थे कि हमें सनी देओल के गदर 2 का बेसब्री से इंतजार है। तो सनी और दुलकर की फिल्म को शुरुआत में मिली सफलता में नेशनल सिनेमा डे का भी योगदान है। शुक्रवार को जब चुप थिएटर्स में रिलीज हुई तब नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट हो रहा था और देश हजार में 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर फिल्म का टिकट का दाम केवल 75 रुपए था। इसमें जनता को चुप जैसी सीरियल फिल्म देखने को मोटिवेशन मिला। रिपोर्ट बता रही है कि ओपनिंग डे में 2.80 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया गया है। शुक्रवार को फिल्म की रिलीज बहुत लिमिटेड स्क्रीन पर हुई और इंडिया में चुप को मेकर्स ने 800 से ज्यादा स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को चुप के कलेक्शन में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। लोगों के दिलों पर अब सनी देओल राज करते नजर आ रहे हैं। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।